एच तो एस की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं यह बता दूं भाई भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी अब और जो ऑनलाइन जो दस्तावेज होता था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती ऑफलाइन जो वेरिफिकेशन होती थी अब वो ऑनलाइन होगी इससे समय और पैसा बचेगा पहली बात ये है दूसरी बात ये है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये सब डेमो लिया है। पहले इसके बाद ये फैसला किया है लेकिन अब हम जो हमने थंबनेल पे लिखा है उन चीजों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ तो वही चीज लिखी है कि भाई सरकार ने अब जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका फैसला लिया है इसमें तो यही सारी चीजें और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बढ़ती प्रक्रिया है वो तेज की जा सके और जैसा कि तीसरी लहर का खतरा है उससे पहले बर्तियां की जा सके और सरकार अपने आप अप खुद में इंप्रूवमेंट कर सके इसके ऊपर जो लगा कि बेरोजगारी बढ़ा रही है ताकि उस दाग को मिटा सके तो ऐसा इसलिए उन्होंने किया है अब हरियाणा में एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी ऐसा भोपाल सिंह ने नहीं बल्कि सेरा जो कि सदस्य हैं सत्यवान सेरा सदस्य हरियाणा कर्मचारी चाहिए कि उन्होंने कहा है कि एक लाख पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी जिनमें कुछ भर्ती जो चल रही हैं और कुछ नई भर्तियाँ इसमें निकाली जाएंगी अब भोपाल सिंह जी ने क्या कहा है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं इसमें आप देखें यहां पर उन्होंने कहा है सीटी पर फैसले के बाद जार योगी नहीं बरतियां आयोग ने जून की शुरुआत से ही लंबित पड़ी भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके लिए कई पदों को लेकर परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया गया है आयोग का कहना है कि 22,000 पद तो वो हैं जिनके विज्ञापन पहले से जारी हो गए हैं 25,000 से अधिक अलग अलग विभागों की ओर से डिमांड आ चुकी है यानी पच्चीस नई भर्तियां अब होंगी अब क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शर्त लगा दी है ऐसे में 22,000 पदों को लेकर आवेदन मांगे जा चुके हैं उन पर फैसला किया जाना है क्या फैसला किया जाना है कि भाई इसको सी टी इसमें लागू करें या नहीं इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बात की इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से एडवाइजरी जारी की जाएगी जिसके बाद इन पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे इसके अलावा अब ग्राम सचिव पटवारी की जो परीक्षा है उसके लिए भी जल्द ही शेड्यूल जारी किए जाने की संभावना है जल्द उसका शेड्यूल है जो जारी किया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर इसमें भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि पहले हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो बरतियां हैं उनको पूरा करने की है ताकि जो तीसरी लहर का जो खतरा चल रहा है उससे पहले उनके पास पर्याप्त स्टाफ हो ठीक है तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और एक ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ भी पच्चीस हजार नई बर्तियां ये अब इसमें होंगी जैसा कि आपने पढ़ा था ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं पच्चीस हजार से अधिक डिमांड आ चुकी है ये नई भरतियां होंगी तो ये कुछ बातें थी जहां हमने ग्राम सचिव की भी बात की है ठीक है सीई की भी इसमें हमने बात की है और जो नई भरतियां हैं उनकी भी हमने बात की है तो यही एक जानकारी आप सभी तक पहुंचानी थी यदि जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू गुड बाय